इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक अहम बैठक अग्रवाल धर्मशाला त्रिका में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बिल्लू बलबेहा ने की। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक को जिला अध्यक्ष राजा राम मार्जरा व कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। वहीं जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष राजा राम मार्जरा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हल्का प्रधान भूपेंद्र सिंह कई कार्यकर्ताओं के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अलविदा कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 1 तारीख को कैथल में पहुंच रहे हैं 25 सितंबर की रैली को न्योता देने के लिए। हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया तो इसलिए था कि थोड़े से कार्यकर्ता आ जाएं, ठीक है, आप 1 तारीख को कैथल पहुंचना। लेकिन आज कार्यकर्ताओं का जोश तो मैंने देखा है, इससे तो लगता है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कैथल पहुँचेंगे। आज कैथल कार्यकर्ताओं का गुला का जोश, जो लोग कहते थे कि ये इनेलो तो यहाँ ख़त्म हो गई, मैंने कई भाई तो टेलीविजन पे मैंने ये भी कहते सुने कि इनेलो का तो नाम लेने वाला नहीं बचा। लेकिन मैं तो आज बधाई देता हूँ इन कार्यकर्ताओं को जिसने इतनी बड़ी मीटिंग करके सिद्ध कर दिया। मैंने तो 2 साल में आज पहली बार मीटिंग देखी है गुला चीके में इतनी बड़ी होना, ये बहुत पुराने ज़माने में होती थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जो आज मीटिंग हुई है। आज कार्यकर्ताओं का जोश देख के आप ही देख लो, आप खुद देख रहे हो उनके टाइम में तो इतनी बड़ी मीटिंग हुई जो आज हुई है। अरे 2 दिन के नोटिस पे थी और इन्होंने अगला न्योता मांगा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की 25 सितंबर से पहले मीटिंग करेंगे। आप उसमें देखना है तो हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तो और भी जुड़ेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को हम उसी पुराने संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी पुराने कार्यकर्ताओं को अपने वापिस बुला रहे हैं। सबको कहेंगे कि आप सभी सुबह दोबारा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास जो करते हैं वो अभय सिंह चौटाला का साथ दें और दोबारा ही पार्टी का नेतृत्व करें। एक बार फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मनसूबों की सरकार बनाएं और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएं।